चींटियों में चलते देखा है, लोग शायद इसे भटकना कहते हैं, पर चींटियों का तो यही जीवन है और शायद मेरा भी। मैं हूं अरुण नांगला और ये है मेरी कहानी। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। को बड़ा शौक था शुरू से साइकिल लेने का, बट घर की कंडीशन एक कुछ ऐसी थी कि साइकिल के भी पैसे नहीं थे। तो एक पापा की साइकिल होती थी, मेरा भाई मुझे आगे बिठा के और पीछे वो बैठता था और मैं पैडल मारता रहता था, हैंडल उसके पास होता था। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जहाँ से टू व्हील का इंट्रोडक्शन शुरू होता है लाइफ में। तब तक मेरा कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन हो चुका था। कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन होना भी एक लाइफ में चेंज ही था। तो कॉलेज से फ्रीलांस होता था आर्ट कॉलेज वालों के लिए ट्रेड फेयर में, तो वहाँ से कुछ आए मेरे को अभी भी याद है, क्योंकि इतने सारे पैसे मेरे पास कभी आए नहीं उन दिनों में। मैंने कुछ 51-52 हज़ार रुपये कमाए, मैंने कुछ नहीं किया। एक सोनी का म्यूज़िक सिस्टम और एक बुलेट सेकेंड हैंड खरीदी, जिसका बजट रखा कि उसको पूरा रीस्टोर करवाना है। मैं जिस जगह रहता था, मेरे घर के पास गोविंदपुरी था, जहाँ पे एक मैकेनिक था जो मेरे भाई की बुलेट भी देखता था, उसका नाम मेशी। फर्स्ट ईयर की गर्मी की छुट्टियां पूरी 2 महीने में उसके साथ बैठा। एक सेकेंड हैंड हमने बाइक ली, उस बाइक का नंबर था DBX131। दिल से उस पर पेंट कराया, पूरा अंदर का सारा काम कराया। और जैसी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हुई और पहला दिन कॉलेज का, मैं उस नई बाइक में छमछमाता हुआ कॉलेज पहुँचा। और मेरे ख्याल से मैंने 80% सारी सुंदर लड़कियों को एक एक गड़ी दी उस दिन। तो यहाँ से बेसिकली मोटरसाइकिल मेरी लाइफ में आई पहली बार। एक बंदे ने हेल्प करी थी, सतीश लूथरा, जब भी याद है उन्होंने मेरे को 20 रोल दिए थे फ्री में, और वही 20 रोल मैंने कारगिल वॉर में शूट किए थे 1-1.5 महीना। तो ऐसे धीरे धीरे मेरी ट्रैवलिंग, सिटी सिटी से बाहर, इन्फ्लुएंस होना बड़ा जरूरी होता है कि हाँ, तुम अगर कहीं जा रहे हो तो तुमने किसी से सुना या किसी को देखा या कोई बहुत अच्छा लगा। तो मेरे भी वैसे हैं कुछ। तो वो बंदा बड़ा ही इंस्पायर करता, उसका नाम पॉल है, उसकी एक फिल्म है, उस फिल्म का नाम है वंस मोर द स्टोरी ऑफ द विंड नंबर 90347। तो लंदन जाने का चांस मिला, लंदन पहुंच गए, लेकिन दिमाग अटका हुआ था BMW पे, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ सबके पास BMW थी, जैसे यहाँ पे सबके पास उन दिनों इनफील्ड हुआ करते थे। मैंने ईबे में एक बिट शुरू कर दी, BMW R1150 GS Adventure। मेरी बिट विन हुई £5,750। टोटल बाइक मेरे को पड़ी है कुछ 7.5-8 हज़ार पाउंड की, मतलब कि 6-6.5 लाख। आई थिंक टुडे 2015 6.5 लाख में वैसी बाइक भी नहीं मिलती है।
सोते सोते फोन में रिंग बजी और जब मैंने फोन उठाया तो भाई का फोन था। मैंने टाइम भी देखा 6:30 बजे और मॉम को कैंसर निकला मल्टीपल मायलोमा। और फिर 16 नवंबर 2012 डैड भी चले गए। अब कोई इमरजेंसी नहीं थी लाइफ में, तो वहाँ से शुरू हुआ फिर बैक स्टोरी कि अब कुछ है ही नहीं करने को और काम में भी ज़्यादा मन नहीं लग रहा था कि वाई नॉट लेट्स ट्रैवल द वर्ल्ड। मैंने पहली चीज़ बुक कर ली अपनी टिकट, तो मेरी टिकट हुई थी कुछ 29th of August लंदन फ्रैंकफर्ट अलास्का। तो प्रिपरेशन में सबसे बड़ा पार्ट होता है कि बाइक की सेफ्टी को, अब इसको बाइक भी रेडी करनी है वहाँ जाने के लिए। इसमें जो सबसे बड़ी हेल्प थी मेरी वो एंडी की तरफ से थी, जिसको मैं गुरु बोलता हूँ। एंड गुरु का मतलब मेंटर। आई रिस्पेक्ट अ लॉट दैट गाय कि उसने शुरू से लेके आखिरी तक इस ट्रिप पे सिर्फ मदद करी। इस ट्रिप का कोई अगर बैकअप क्रू और बैकअप सपोर्ट था वो सिर्फ एंडी था। फिर उसके थ्रू हम एक लोकल मैकेनिक को मिले, वो भी पॉलिश बंदा था, उसका नाम क्या था, टेडक। उसने फीस तो काफ़ी अच्छी खासी मांगी थी। ही चार्ज अराउंड £700 फॉर द होल एवरीथिंग सर्विस रेडी फॉर द ट्रैवल फॉर माय बाइक। बट उसने काम भी दिल से किया, उसका प्रूफ है मेरे पास। नॉट इवन ए फ्लैट टायर इन होल जर्नी 30,000 किलोमीटर। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। फाइनली वो दिन आ गया था कि जिस दिन हमें मंदिर भी जाना था और कार्गो भी जाना था। तो हमने प्लान बनाया पहले कि हम मंदिर जाएंगे, वहां से मत्था टेकेंगे और वहां से सीधी बाइक हम कार्गो ले जाएंगे। यहाँ से मेरा ट्रिप बेसिकली स्टार्ट और मैं 29 तारीख को प्लेन में बैठा और अलास्का पहुंच गया। और अगले दिन सुबह आया तो उसने बोला आप वहाँ सामने पार्किंग पे चले जाओ तो तुम्हारी बाइक वहीं पे आ जाएगी। तो मेरे सामने ही मुझे दिख रही थी वहाँ फीडेक्स प्लेन से बाइक उतारी और पार्किंग में बाइक छोड़ दी। मैं, मेरा बैग, मेरी बाइक और कोरी पार्किंग में कोई भी नहीं था। उसको मैंने बस अपने हाथ से किसी तरह से तोड़ ताड़ के डब्बे को खोला। बट उस टाइम तो इतना वो हो रहा था कि चल कुछ भी हो जाए, खोल इसको और निकल यहाँ से। तो दैट्स द फर्स्ट डे। जिस दिन बाइक लेके आया उस दिन रात को तो नींद नहीं आई ढंग से कि आज से किलोमीटर वन शुरू होगा जिसको मुझे 30,000 किलोमीटर पे एंड करना है। तो सुबह वहाँ से शुरू किया मैंने अपना ट्रिप। I think I did almost 360 miles today. Little tired, but it's okay. Good sun, you can see around. Alaska is beautiful. Fairbanks पहुंचने से पहले ही मेरे साथ तो हो गया था कि मैं भालू देखूं या मेरे जूते और ग्लव्स दोनों लीक कर गए थे। फर्स्ट डे ऑन अ राइडिंग टू कोल्ड। एंड व्हेन आई से पीपल टू टू कोल्ड, पीपल ऑलवेज से दिस इज अलास्का। दिस प्लेस इज लाइक अ वाइल्ड वाइल्ड एंड रेनिंग इज लाइक हेल। अनबिलीवेबल। आई चेंज एवरीथिंग, पुट ऑन ऑल वाटरप्रूफिंग, गोरेटेक। और ये गोरेटेक्स थे, गोरेटेक्स। मेरे को पहले टेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग मिला फेयरबैंक के हॉस्टल में। वो पहली बार मैंने ऐसे वाले टेंट देखे जिनमें अंदर आग जलाओ और ऊपर से निकल जाती है। तो मुझे वहाँ रुकना था 2-3 दिन के लिए और डिसाइड करना था कि मुझे अब आगे प्रूडो बे जाना है या नहीं जाना है। तो एक दिन बीता, फिर दूसरे दिन हॉस्टल वाला कह रहा कि वेदर वहाँ पे अभी ठीक नहीं है क्योंकि इससे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंड, तो थोड़ा देख के जाना। लेकिन तब भी मैंने कोशिश करी कि आर्कटिक सर्कल के आसपास मैंने बाइक चलाई
लेकिन मुझे इतना रिस्की लगा कि आई डोंट थिंक सो कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए था वहाँ पे, कि प्रूडो वे को टच करना था. प्रूडो वे वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं आर्टिक सर्कल के आसपास से ही बैक. तो जैसे ही मैं घुसा अंदर, वो जगह बड़ी वियर्ड सी थी, लेकिन उस दिन वहां कोई नहीं था, एकदम खाली. सामने उसके बड़े वियर्ड से ईगल स्कल्पचर थे वुडन, और वहां पे एक बड़ा सही सा सीन था, लाइक हॉरर मूवी की तरह, लाइक वो नहीं होते कुलाड़ी, और वो उस लकड़ी वाले उस पर किसी ने ऐसे मार के ऐसे छोड़ी हुई थी. अब बड़ी लंबी सी कुलाड़ी थी लाइक. मेरे ख्याल से मैं उस रास्ते से सेकेंड लास्ट और आखिरी दो तीन लोग और जा रहे होंगे उस रास्ते से. उसके बाद वो रास्ता ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ठंड होनी शुरू हो जाती है. विंटर में दैट एरिया टोटली कवर्ड अंडर द स्नो. आई स्टेड लाइक अराउंड वन डे एंड मॉर्निंग वहाँ से सीधा नीचे. साइन पोस्ट पहले सुना था मैंने इसके बारे में लोगों से एक दो जगह पे, बट वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि दे पुट नंबर प्लेट्स. अब हमारे को तो आइडिया नहीं था, सब अपनी अपनी नंबर प्लेट लेके आए. अब मैंने भी ढूंढा कुछ वहां पे, अब मुझे भी लगानी थी ना एक झंडा. तो यार कूल, दिस इज फ्रॉम इंडिया ना. फिर वहीं पे मैं मिला था आंद्रे, लॉन्गेस्ट राइडिंग मेट, जिसके साथ मैंने सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल चलाई है. जब हम वहां से क्रॉस किए साइन पोस्ट से, मेरा रूट था कासर हाईवे से होते हुए जाना. तो कासर हाईवे से क्रॉस करते हुए मैं एक सिटी क्रॉस कर रहा था. उस सिटी का नाम था जेड. जेड इज फेमस फॉर द जेड स्टोन, एंड उसके आसपास माउंटेन एरिया बहुत ही खूबसूरत था. जहाँ पे एक कॉर्नर में पेट्रोल पंप भी था, तो वहीं पे मैं अपना मैप भी, एक पेट्रोल पंप के अंदर काम करती है, आई थिंक उसी का पेट्रोल पंप था, तो उसने मुझे बताया कि फ्रॉम देयर यू कैन रीच टू द प्रिंस जॉर्ज. और मैं शाम को पहुंचा प्रिंस जॉर्ज पे, और वहां पे मिला एक इंटरेस्टिंग पर्सन से जो मॉन्ट्रियल से था, एंड उसका नाम था फिलिप. And he's traveling between east to west on his truck. और हमने चार दिन बहुत ही खूबसूरती से बिताए, जिसमें बारबेक्यू, कैंडल लाइट डिनर हमने किया मिलके. वहाँ पे मैं मिला था एक बंदे को, बॉब, 50-60 साल का आदमी था. उसने मुझे $25 दे दिए कि ये अपना जो नेक्स्ट फ्यूल जब तुम भरोगे तो इसको मेरे पैसों से भरना, कि मैं अब थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं पाता, तो यू ट्रैवल दिस फुल टैंक फॉर मी. एंड आई लाइक, इट्स अ गुड थॉट. हाँ, वैंकूवर के बाद बॉर्डर क्रॉस किया, तो मैं अमेरिका में पहुंच गया, और अमेरिका से एक जगह पे आई टुक द फेरी टू रीच the place called on a Pacific side of the America, Highway 101. People say it's one of the beautiful coastline highway. कैलिफोर्निया में घुसते ही जो सबसे पहला खूबसूरत नजारा था वो था सनसेट. वो देखते ही मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो कभी पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं, फिल्मों में ऐसे सीन देखे थे. और कैलिफोर्निया कि जो दूसरी बहुत फेमस चीज है वो है बीचेस. कैलिफोर्निया के बीच एग्जैक्टली द सेम वैसे ही है जैसे तुम्हें लगेगा कि तुम कैलिफोर्निया में नहीं किसी इटली में हो. वहां से निकला मैं, फिर मैंने रात को जगह कैंपिंग करी कैलिफोर्निया में पहुंच के, और अगले दिन मैं, वो बेसिकली रेडवुड वाला ही एरिया था सारा, फिर बीच में एक ब्रेक था जहां पे मैं रुका खाने के लिए. लेकिन वहां पे मेरे को एक बाइकर मिला. Hi, what's your name? Hi, my name is Erwin Lemmens. Where are you from? I'm from Belgium, Ghent.
Okay. From where to where are you riding? I'm riding from Seattle to San Francisco. Okay, cool. And look at this bike and this guy. So it's the first meeting with the cyclist. जो ऐसे चला रहे थे एंड सीरियसली आई ऑलवेज रिस्पेक्ट साइकिलिस्ट ट्रैवलर दे आर द सोल्जर दे आर द रियल सोल्जर के रेडवुड फॉरेस्ट से जो मेरा अगला डेस्टिनेशन था वो सैन फ्रांसिस्को नेक्स्ट डे मैंने देखा कि घर के नीचे एक पब था वहां पे एक मेरे जैसी सेम बाइक खड़ी हुई थी किसी की तो मैं फट नीचे गया और वहां पे खड़ा रहा जब तक वो बंदा ना आए वो बंदा मिला मैंने उससे बात करी एंड ही सेड कि उसकी एक अपनी वर्कशॉप है मैं उसकी वर्कशॉप पे पहुंचा क्योंकि मेरा आगे का हेडलाइट का बल्ब नहीं चल रहा था और मेरे GoPro के केस में मुझे एक होल कराना था USB पावर चार्ज करने के लिए और मैं उसको पैसे देने की बात कर रहा था कि इससे पहले उसने मेरे को बोला कि कोई नहीं सेफ ट्रैवल एंड एंजॉय दिस इज गिफ्ट फ्रॉम माय साइड So I consider these people like angel. तो प्लान यही था कि सैन फ्रांसिस्को से अपना कैलिफोर्निया लास्ट था ये कि कैलिफोर्निया में हम आगे इसके बाद नहीं रुकेंगे को पहुंचा अराउंड कुछ 7-8.5 बजे के आसपास एंड जस्ट स्टेड देयर फॉर अ नाइट क्योंकि अब नहीं लग रहा कि मैं टुसॉन रात को पहुंच पाऊंगा सुबह उठा नोबडी हियर आई कैन लास्ट नाइट एंड फट गई थी मेरी पूरी बहुत अच्छी है नेक्स्ट टू द हाईवे बट नोबडी हियर आई विल शो यू हाउ इज द प्लेस लुक You can see that sun is out. इतनी देर में मैं सोच भी नहीं पाया कि मैं मेक्सिको पहुंचूंगा जितनी देर में मेक्सिको रियल में पहुंच गया मेक्सिको में BMW का शोरूम था तो मैं वो ढूंढ रहा था पता नहीं कहाँ पे मेरे को वो शोरूम ही नहीं मिल रहा था मैंने पूरा घूम लिया इधर उधर सिटी में किसी लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो ढूंढते ढूंढते इंटरेस्टिंगली एक बंदा मिला मेरे को कहीं पे ही सेड फर्स्ट कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ लेट्स गो मैं पीछे बैठता हूँ उसने हेलमेट पहना से लेफ्ट राइट एंड उसने मुझे BMW के शोरूम के बाहर उतार दिया और वो उसकी जगह से 25-30 किलोमीटर दूर थी क्योंकि जब हम पहुंचे वहां पे उस दिन सैटरडे था एंड शोरूम क्लोज 1 PM and we reached 2 o'clock. That guy feeling shame ke
हम लेट हो गए आने में। आई सेड डोंट वरी। अब मुझे लग रहा था कि मैं इसको थैंक यू कैसे बोलूं विदाउट लैंग्वेज। वापस जाते हुए आई एम ट्राइंग टू गिव हिम मनी कि टैक्सी में चला जा, उसने टैक्सी के पैसे भी नहीं लिए मेरे से। एंड ही कॉल्ड द कैब सिट एंड गॉन। मैं उसका नाम भी नहीं जानता, उसका एड्रेस भी नहीं जानता, उसका फोन नंबर भी नहीं जानता। माई एक्सपीरियंस विद द BMW कि उसकी जो चीज़ें हैं, जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं जो तुम्हें डेली बेसिस पे चेंज करनी पड़ती हैं, वो इतनी एक्सेसिबल है कि इतनी इजीली तुम्हारा हाथ उन पे जाता है कि यू कैन चेक एंड रिपेयर विद इन अ सेकेंड। तो वो जो ऑयल का भी था वो बाहर था, उसने एक नट खोला, देखा ऑयल का लेवल ठीक है, नट वापस क्लोज्ड, फिनिश, चेक्ड विद इन 5 मिनट। मेक्सिको सिटी से निकल रहे हैं टूवर्ड्स द सैन क्रिस्टोबल। तो उससे पहले रास्ते में मैंने एक जगह पे रोका, बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो उनके पास हर चीज़ जिंदी जिंदी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये मछली पका दो। उसने पकड़ी मछली और सीधी घी के अंदर डाल दी है, फ्राई होके उसने दी, मैंने वहाँ से खाई। बट उसने पैसे बड़े लिए मेरे से, अराउंड से $10 वहाँ के हिसाब से काफ़ी होते हैं। तो वहां से सीधा मैं सैन क्रिस्टोबल पहुंचा। वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों से मिला, लॉट्स ऑफ ट्रैवलर। एक्चुअली द सीन स्टार्टेड टू मीटिंग ए बिग क्वांटिटी ऑफ ट्रैवलर इज बेसिकली साउथ ऑफ मेक्सिको एंड मेक्सिको। जैसे ये बेल्ट पूरी ही ट्रैवलर से भरी पड़ी है। फिर वहीं पे मैं मार्केट में घूमते एक कपल से मिला, बोथ आर फ्रॉम अर्जेंटीना। थोड़ी देर बात हो रही थी, मुझे लगा जस्ट नॉर्मल ट्रैवलर होंगे, पता नहीं ट्रैवल के भी नंबर होते हैं हमारी जिंदगी में, हॉलीडे के भी नंबर होते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं वेकेशंस। अब वेकेशन के बाद क्या आता है, ये वो लोग हैं, वो पिछले 7 साल से रोड पे थे। Hi, my name is Natalia. I am from Patagonia, from Ushuaia. It's the southernmost city in the world. I have been traveling for the last almost 8 years with Christian. And look at Christian is here. He's always hiding his face because he said, "I don't speak English." We left Ushuaia the 20th of January. 2006, and we started the trip with a Volkswagen van. Our idea was to get to Alaska with the van, but in Venezuela we broke the engine, and for us it was really expensive to repair it, so we leave the van, we start to hitchhike, and then in Nicaragua we get some 2 bikes. Okay. We broke everything you can imagine in the bikes. Okay. Christian is too tall, so yeah, the bike was too small for him. For me it was too heavy. We didn't have any panniers, any professional style thing. So we used to tie our backpacks with the ropes. We do jewelry to support this trip. We have been doing this for 7 years right now. It gives us the way to know you, to know a lot of people. So it's fun, it's fun. Okay. I hope we will get home in less than 7 years. Yeah. Thank you very much. Thank you and have a good trip. This guy choosing a car to give his mom in Ushuaia. Let's see if I can manage to give. They're traveling from Alaska to Patagonia and they're from Ushuaia. Mom name is Alva. She have a bed and breakfast, so maybe you're gonna stay there or... Oh, lovely.
Yeah, if you say you have something from me, she must be more than happy. Definitely. I'm alive, I'm eating. I can show this video to your mom. Ah. What do you forget? तो उसने एक लिख के मुझे पोस्ट कार्ड दिया बाय सेंट्रल अमेरिका ग्वाटेमाला वहाँ पे तो बड़ा सही एक्सपीरियंस था। हर कंट्री के अपने अपने रूल होते हैं, तो ग्वाटेमाला का रूल है कि जब वो बाइक कोई भी किसी का भी ऑटोमोबाइल इधर आएगा तो एक स्प्रे मारते हैं पूरी बाइक पे। अनदर स्पेनिश सिटी, दिस इज आल्सो इक्वली ब्यूटीफुल एज सेम एज सैन क्रिस्टोबल। फिर वहाँ पे ग्वाटेमाला सिटी से एक वो नज़र आता है, क्या कहते हैं, सामने माउंटेन अगुआ वल्कानो। तो उसमें हमारा कुछ एक दिन का ट्रैक था कि एक दिन में ऊपर जाएंगे और रात को वहाँ पे रुकेंगे और वापस नीचे आएंगे। और इस ट्रैक में मेरे साथ दो लोग गए। We are three idiots from Spain. What's your name? Rafa. My name is Rafa. And you? Daniel, Romania. And I'm Arun from India. We're going to see that mountain. मजेदार कंट्री, चारों तरफ लोग फुटबॉल खेलते रहते हैं। तो इट्स अ गुड फन, इज अ वेरी स्मॉल सिटी एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव। लाइक $10 में यू कैन गेट ए प्लेस टू स्टे और इजीली यू कैन मैनेज लाइक इन अ चीप बजट एंड स्टेइंग नेक्स्ट टू द बीच। द प्लेस इज कॉल्ड ला लिबर्ता, अल सल्वाडोर का पहला टाउन जहाँ पे मैं गया। मैं ऐसे चेक कर रहा था अपना पेपर्स वगैरह तो सडनली क्या देखता हूँ कि मेरे पासपोर्ट का जो जहाँ पे फोटो लगी होती है नेक्स्ट टू द फोटो आईडी पेज 99% फटा हुआ है और किसी ने उसको टेप से हल्का सा ऐसे जोड़ दिया है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन कि किसने किया। एनीवे अब जिसने किया जो किया वो अब मेरे को ढूंढना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था जितना था कि मुझे इस पासपोर्ट को कैसे ठीक करना है, अब मुझे आगे का देखना है। तो मैं एक सेलो टेप सीजर लेके बैठा आराम से और मैंने उस पासपोर्ट को अपने तरीके से टेप से जोड़ दिया। मेरे हिसाब से इट्स परफेक्टली फाइन। अब कर रहे हैं टूर्स निकारागुआ। तो ये वाला बॉर्डर हमने यहाँ से क्रॉस किया, हमें रास्ते में कुछ लोग मिले, कुछ यंग गर्ल्स थी तो उन्होंने हमें इंश्योरेंस दी। तो यहाँ से हमारा पहला जो सिटी होगा निकारागुआ का वो होगा लियोन। अब ये था कि जब मैं चल रहा था तो इस बार मेरे साथ जो साथ में राइड कर रहा है तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम के एक अनदर राइडर, हम दोनों कुछ टाइम के लिए साथ साथ राइड करेंगे। दिस जर्नी इज अराउंड लाइक 30 मिनट फ्रॉम नियोन टू द पैसिफिक सी कोस्ट। और यहाँ पे जब वो शाम की सुनहरी लाल जैसी जो लाइट होती है और वो जब सफ़ेद चमड़ी पर पड़ती है तो देखने का आनंद ही कुछ और होता है। तो बीच के पीछे देखो और बीच के आगे देखो, दोनों तरफ सुनहरा ही सुनहरा होता है।
तो हर साल दिवाली में ही लंदन से हम घर की तरफ निकलते हैं, और ये पहला टाइम है कि मैं अल सलवादोर निकारागुआ में दिवाली मना रहा हूँ। तो वो एक्सपीरियंस भी बड़ा मज़ेदार था, क्योंकि मैं ट्रैवल पे था। निकारागुआ, निकारागुआ में इस आइलैंड में गया मैं जो के साथ, इस आइलैंड का नाम था ओमे तेपे। वहाँ से हम पनामा सिटी, कुछ 5-6 घंटे का रास्ता है, तो नेक्स्ट डे मैं पनामा सिटी पहुँच गया। जब मैं हॉस्टल ढूंढ रहा था तो वहीं पे मुझे बाहर खड़ा हुआ मेरा एक दोस्त मिल गया मुझे, वो जिसको मैंने छोड़ा था अलास्का में साइन पोस्ट पे, आंद्रे हॉलैंड से। तो हम वहाँ पे पनामा सिटी के अंदर थोड़ा बहुत घूमे फिरे, क्योंकि हमारा वहाँ पे पॉइंट ये था कि वहाँ पे लास्ट स्टॉप करके और वहाँ से अगले दिन ही कोलंबिया जाएंगे। एक जगह आती है बिटवीन कोलंबिया एंड पनामा, उस जगह का नाम है दैरन गैप। तो इस वजह से सबको बोट लेनी पड़ती है, भाई एयर जाओ। तो हम पहुंचे सन ब्लास। सन ब्लास में और भी लोग आ गए जो बाइकर थे, तो कम से कम हम 18 बाइकर थे जिन्होंने उस सेलिंग बोट पे बोट किया। उन्होंने एक लूप बना रखा था, वो उसको उठा उठा के उन्होंने सारी बाइकें उसमें डाली, और वहाँ से हमारा ट्रिप बोट वाला शुरू हो गया। बुकाराबंगा से हम लोग सीधे बोगोता नहीं गए, हम वहाँ से चले गए मेदजीन, और लोकल सिटी में घूमा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रेट्रो कैफ़े देखा। वहाँ पे गाने बज रहे थे बड़े पुराने पुराने, इतने समझ तो नहीं आते हैं क्योंकि सब स्पेनिश में था, मैं धुने काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे लगा कि देखूं कि बजा कौन रहा था। जब मैं उस तरफ गया कि जहाँ पे गाने बज रहे थे, तो वहाँ से एक शक्ल निकल के आई, वो भी बड़ी रेट्रो थी, अराउंड 80-85 ईयर ओल्ड डीजे। बोगोता सिटी, बोगोता सिटी से पहले तो अपना रास्ता भूल गया था, एक एरिया है वहाँ पे, जगह का नाम है कॉल होंडा। मैं राइट चला गया, मुझे जाना था सीधा, मैं सीधा जाता तो शायद बोगोता पहुँच जाता 2.5 घंटे में, और वो रास्ता ऐसा गलत लिया, वो अंदर जाते 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 वो रास्ता ऐसे हो गया। फिर वहाँ पे मुझे एक लोकल बाइकर मिल गया, वो भी रास्ता भूल गया था, वो मैजे दिन का था वो बंदा। तो उसने और मैंने किसी तरह से उस पहाड़ में से बाइक उतारी नीचे। क्योंकि इसे फॉरेस्ट लाइक जंगल टाइप एरिया मे बी कुछ होगा, बट उस टाइम पे कुछ नहीं दिख रहा था। I'm totally fucked. और उस बंदे का जन्मदिन था उस दिन। Today we are totally fucked. I just meet this guy on a road and by accidentally hit on this road. People saying don't go from this road, but I didn't understand Spanish. But I don't know how he came. He understands Spanish and after that he came to this road. It's fucking nightmare. बहुत ही मुश्किल वो ट्रिप का, आई थिंक वो भी एक डिफिकल्ट पार्ट था जहाँ पे गलती से फंस गया था। मेरे को 12 बज गए उस जंगल से निकलते निकलते, तो वो मेन रोड पे पहुँचे हम, क्योंकि उसका बर्थडे था तो हम वहाँ पे रुके, उन्होंने एक पेस्टी वहाँ पे ली, वी सेलिब्रेट लिटिल बिट हिज बर्थडे। फिर उसके बाद उसने कहा वो यहीं रहेगा, मैंने कहा नहीं मुझे बोगोता जाना है। और मैं पहुँचा बोगोता हॉस्टल अराउंड 2:30 बजे। बोगोता जाने का मेन रीज़न ये भी था कि मुझे टायर चेंज करने हैं। मैंने किसी ना किसी बंदे का पता किया कहाँ पे ये था, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था टायर, क्योंकि मेरी बाइक के टायर ऑलमोस्ट 90% घिस चुके थे। तो मैंने उसके सबसे अच्छे वाले, सबसे महंगे वाले टायर डाले जो इंग्लैंड में नहीं मिल रहे थे मेरे को,
वो मुझे वहां मिल गए थे। मैं उस जगह पे पहुंच गया था जहां पे ऑफिशियली इस ग्लोब को बोलते हैं आधा है, द लाइन ऑफ इक्वेटर। गाइस, दिस इज द इक्वेटर एंड वी फिनिश फ्रॉम अलास्का टू हियर हाफ ऑफ द ग्लोब। सी, हाफ ऑफ द ग्लोब इज डन। I can show you, it's not exactly showing, but south is 0003, it should be show 0, but there is a little direction of the bike and I can show you on a monument. This is the equator line at Ecuador. तो यहाँ पे तो बानोस सिटी जहाँ पे हम पहुँचे सूजन के साथ और खाना ऑर्डर कर रहे थे, बट इतनी देर में क्या हुआ कि अब लैंग्वेज का तो हमेशा से ही प्रॉब्लम है पूरे एरिया में। लेकिन अच्छी बात थी कि वहाँ पे मेन्यू कार्ड के ऊपर सीधा सीधा फ़ोटो बनी हुई थी, हमने फ़ोटो में से चूज़ किया और वहाँ पर अपना फूड ऑर्डर कर दिया। जब मैं खाना खा के उस रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो देखा कि बाहर एक जगह पर बैठ के ये दो म्यूजिशियन गिटार और वोकल और उनके पास कुछ छोटे एक्ट टाइप थे जिससे वो बजा रहे थे। Traigo ave caminos pa tu destino, traigo la ruda pa el que estornuda, también traigo albahaca pa la gente flaca, el lapazote para los brotes, el vetiver para el que no ve, y con esa hierba se casa usted hierbero. तो वहाँ से निकलते ही हमारा जो पहला पड़ाव था अगला वाला 2 से 3 घंटे में शायद आ गया था, क्योंकि इतना दूर नहीं था वहाँ से, पेरू बिटवीन एक्वाडोर का बॉर्डर था। तो वहाँ पे मिले एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका नाम था मेजर मार्को समथिंग। तो मार्को मेरे को वहाँ पे दिखा रहा था कि ये जो इनके मुर्गे हैं, जो लड़ाकू मुर्गे हैं, तो उनको वो लड़ाई के लिए भी यूज़ करते हैं कि उनका थोड़ा सा मन लगा रहा है बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और वो मुर्गे कभी कभी वो खा भी लेते हैं। तो वहां से जो हमारा अगला पड़ाव था वो था पेरू की तरफ। ये हमारा दूसरा दिन था पेरू के अंदर, आसपास चारों तरफ डेजर्ट, लाइक रेत ही रेत है। सो माय फ्रेंड, पेरू डेजर्ट, लीमा इज अराउंड 1000 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अच्छा, तो वहीं से हमें पता लगा था कि हमें होरास माउंटेन की तरफ जाना है, और पहले तो मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था कि इतनी बड़ी बाइक है, मैं थोड़ा ठीक ठीक रोडों पे जाऊं। लेकिन कोई नहीं, मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया क्योंकि बाइक तो मेरी काफ़ी साथ दे रही थी मेरे साथ। लेकिन मैंने अपनी बाइक का जो रियल टेस्ट किया था वो बेसिकली होरास माउंटेन में किया था। मेरा थ्रोटल कभी नीचे नहीं गया और जितना मैं उसको तेज चलाता था उस ग्रेवल पे, वो उतना ही बैलेंस चलती थी। We'll be right back.
तो ये मेरा एक्सपीरियंस है BMW के साथ कि मुझे उस बाइक ने कहीं पे भी इतना सा प्रॉब्लम नहीं दिया पूरे हुरास माउंटेन के ग्रेवल एंड ऑफ रोड के ऊपर। लेकिन शाम के 4-5 बनना शुरू हो गए थे एंड आई कैन फील इट कि मेरे को थोड़ा ब्रीदिंग का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया था क्योंकि वो थोड़ा हाई माउंटेन पे था और सडनली कुछ पानी पड़ने लगा और ठंड थोड़ी सी और बढ़ने लगी। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट यही था कि मैं जो सबसे पहले जगह आएगी मैं उस पर रुकूंगा रात को। सबसे पहली जगह भी 4 घंटे के बाद आई क्योंकि उसको इतनी दूर था। रात तो मेरी थोड़ी आराम से निकली। ठंडी रात के बाद जब मैं सुबह उठा तो सुबह का जो सन था वहाँ पे वो वैसे था जो हमारे इंडियन माउंटेन में होता है। और वहाँ पे फिर मैं उसके ओनर से मिला, सामने किचन था, किचन देखा और अंदर काफ़ी फनी सा था कि जहाँ पे वो लोग खाना पका रहे थे उसके नीचे ही गिनी पिक के होल थे बहुत सारे जहाँ पे उन्होंने गिनी पिक पाले हुए थे। मैं तो इतना शौकीन हूँ नहीं गिनी पिक खाने का, तो बस वहाँ से मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और रेडी किया और मैं कुस्को की तरफ निकल गया। तो जब कुस्को में रहने के बाद, सेटल होने के बाद हॉस्टल में हम थोड़ा घूमे फिरे। कुस्को है बहुत सुंदर जगह बेसिकली, वो भी पुराना इंका का एक, इंका कैपिटल बोलते हैं उस एरिए का। और वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मैं यहाँ पे यार एक टैटू क्यों ना बनवाऊँ, क्योंकि टैटू की चाहत तो बहुत शुरू से थी। तो वहाँ पे एक शॉप देखी हमने, शॉप देख के सीधा हम उसके अंदर घुसे जिसमें मेरे साथ रोज फ्रॉम फ्रांस एंड जैक फ्रॉम इंग्लैंड हम तीनों गए। Guys, it's the best advice. Never go for tattoo. It's fucking hurting like crazy. Oh, it's too much. This is the guy from Cusco, Peru. Yeah. I think motorcycle riding is much easier than making a tattoo. Fucking hell, it's hurting. Pablo, just wait. Here it hurts a lot. और मैंने अपनी पीठ पे वर्ल्ड मैप बनाया और उसके नीचे लिखी एक लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आई थिंक मेरे को कुस्को में जिस हॉस्टल में मैं रहा उससे अच्छा हॉस्टल मुझे कोई और मिला नहीं, जहाँ पे तुम्हें वर्ल्ड के ट्रैवलर मिलते हैं, एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ तुम जा रहे हो और तुम अपनी भी स्टोरी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वहाँ पे मैं एक ऑस्ट्रेलियन राइडर से मिला, मिडिल एज बंदा था। उसकी बाइक मेरी मोस्ट फेवरेट बाइक है और BMW के अंदर भी वो मोस्ट लीजेंडरी बाइक है। F80GS है या F100GS है, दोनों के डिज़ाइन एक जैसे हैं। उसका जो वे था, जैसे वो निकली, जैसे वो गई, वो मुझे बहुत ही भाता है और हमेशा से वो बाइक बहुत अच्छी लगती है। हमारा जो पहला स्टॉप था कुस्को से निकलने के बाद वो सीधा था टिकटिका लेक के ऊपर। तो यहाँ पे इस लेक में हम गए घूमने के लिए क्योंकि मैंने इस लेक के बारे में काफ़ी ट्रैवलर से पूछा था और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक। इस लेक के अंदर जो बहुत खास बात है, इन्होंने अपने हैंडमेड फ्लोटिंग आइलैंड बना रखे हैं जिसके ऊपर ये अभी भी रहते हैं और वो नीचे से बिल्कुल खाली है और ऊपर से पानी और घास को लेयर डाल डाल के ये एक फ्लोटिंग आइलैंड बना देते हैं। तो ये वाला सीन यहाँ पे बहुत ही प्यारा है और बहुत ही मज़ेदार जगह है।
अच्छा, लोपास पहुंचने के बाद जो हमारा लोपास में बेसिकली टारगेट था, क्योंकि हर सिटी के हम एक या दो स्टॉप तो बनाते हैं कि क्या करेंगे वहां पे, तो लोपास का पहला टारगेट था कि हम वहां पे न्यू ईयर मनाएंगे। और न्यू ईयर के अगले दिन सुबह सुबह हम वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड पे जाएंगे, और सवेरे हम 6-7 बजे निकल गए मोस्ट डेंजरस रोड के ऊपर। सच्ची बताओ यार, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, वो लद्दाख में घूमे नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मोस्ट डेंजरस रोड होती क्या है। लपास हॉस्टल के बाद जो हमारा अगला टारगेट था वो था बोलिविया की लास्ट सिटी पोतोसी। पोतोसी के बाद जो अगला था हमारा वो था यूनी। तो यूनी बेसिकली ज्यादा एक्साइटिंग रहा नहीं, क्योंकि वो पूरा ऑफ रोड था, तो वहां से हमारा अगला पड़ाव था अर्जेंटीनियन बॉर्डर क्रॉस करके और सीधा साल्टा जाएंगे। जैसे ही मैं अर्जेंटीना में घुसा तो मुझे एक वहाँ पे टीम राइडर मिले जो अपनी लोकल्स बाइकों में घूम रहे थे। Meet Argentinian people, they're going to north and I'm going to south. And their family, his papa and the two sons. Yeah, Franco. Super, I love that. Your name is? Franco. And you? Julius. Julius. Wow, they have both same name. मैंने उनको अपने डॉलर भी बेचे थे वहाँ पे, डॉलर बेच के अर्जेंटीनियन पैसोस लिए थे। Now I can show you most incredible scene I never seen before. Let's check. Wow, I'm so happy to be here. Wow, it's amazing. I always seen this kind of things on National Geography or adventure channels. Never seen before. It's amazing. Very happy. जैसे ही मैं मरीनो ग्लेशियर से निकला, निकलते ही मेरे को रास्ते में कुछ एक फ्रेंच ग्रुप मिला, और जब मैंने उनको बोला कि मैं इंडिया से हूँ तो वो इतने खुश हुए और उन्होंने मेरे को डिनर के लिए इनवाइट किया। तो मेरे को थोड़ा सा थोड़ा सा वो लग रहा था कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि आखिरी में ये ना हो कि मुझे पैसे शेयर करने पड़े, क्योंकि मेरे ट्रिप पे मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं पैसे शेयर करूंगा। और उस रेस्टोरेंट की जो बहुत खास बात थी कि वहां पे जो आइस मिल रही थी, जो ड्रिंक में डलती है, वो मरीनो ग्लेशियर से आई हुई थी। वहां पे जो फिश खाई हमने वो भी मरीनो ग्लेशियर से आई थी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पैसे खर्च करके इतना बड़ा डिनर कर सकता था। उशुआया आइलैंड बेसिकली पहुंचने से एक घंटा पहले ही एक जगह आती है जहां पे मैंने ब्रेकफास्ट किया,
I don't know how to explain. I'm just 1 hour far from end of the road and Ushuaia. This is the, I think from here Ushuaia is only 100 kilometer and end of the road 112 kilometer. So today this trip from north to south is going to end. I travel around 5 months from Alaska to reach Ushuaia. Seriously, super feeling. End of the road, Ushuaia in 1 hour. जैसे ही मैंने शोया गेट देखा तो मुझे जस्ट एक ही फीलिंग आई कि इस डेस्टिनेशन को मैं अलास्का से चेस कर रहा था और आज वो आ गया है मेरी आंखों के सामने। अब यहां से मेरी रोड रह जाती है एंड ऑफ द रोड 20 किलोमीटर। शोया गेट क्रॉस करने के बाद जो मेरा अगला पड़ाव था वो था एंड ऑफ द रोड। बट एंड ऑफ द रोड से भी पहले मेरे पास एक प्रॉमिस था जो दोस्त मुझे मेक्सिको में मिला था सेंट क्रिस्टोबल में, कि उसने मुझे एक पोस्टकार्ड दिया था कि उसकी मॉम को वो देना है। 10 मिनट तो मुझे पोस्टकार्ड ही नहीं मिला जब मैं उसके घर के बाहर कहीं रुका पूछ पाछ के कहीं से पहुंचा। आफ्टर 4 मंथ आई रीच्ड टू दिस एड्रेस। आई मेट दिस पीपल इन ग्वाटेमाला एंड होप आई कैन मीट हिज मॉम। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो आई फील लाइक आई थिंक इससे बड़ा काम मैं कोई और कर नहीं रहा हूँ कि किसी बेटे का पैगाम उसकी मॉम को दे रहा हूँ। उसकी मॉम काफ़ी खुश हुई, हमने थोड़ी बहुत बात बात करी, उन्होंने चाय पानी के लिए बिठाया, बट हम काफ़ी रश में थे, अंधेरा होने वाला था, हमें एंड ऑफ द रोड जाना था। वहाँ से हमने जर्नी शुरू करी। वो रोड बहुत ही प्यारी थी, एकदम ग्रेवल और घूमती घूमती हुई गोल गोल जा रही थी। उशवाया के बेसिकली मेरे पास 2 प्लान थे। एक प्लान था उस ट्रैवलर की मॉम को मिलना और उसका पोस्टकार्ड देना, और दूसरा प्लान था एंड ऑफ द रोड। Guys, check this. I reach end of the road. And this is the sign. And it's a national park. And Alaska, 17,848. तो थे तो 20-25 मिनट, बट मुझे लगता नहीं कि वो 20-25 मिनट ऐसे निकल गए। उस 20-25 मिनट में मुझे उछवाया से अलास्का, अलास्का से दिल्ली, दिल्ली से कॉलेज, हर वो चीज़ याद आ गई जो मैं इतने सालों से सपना देख रहा था किसी ऐसे बड़े ट्रिप का जिसमें मुझे लगे कि मैंने कुछ किया है। हर वो व्यक्ति मुझे याद रहा जिसने इस ट्रिप पे मेरी मदद करी। थैंक्स तो सबके लिए है, और जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर सपोर्ट रहा है वो मेरी बाइक जिसको मैं नंदी बोलता हूँ। नंदी के बारे में एक छोटा सा है कि नंदी एक्चुअली है क्या नाम। नंदी इज़ ए नेम ऑफ द लॉर्ड शिवा बुल, तो वहाँ से ये बेसिकली नाम आया था। और वो बुल वैसे ही काम कर रहा था जैसे मैं चाहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, नॉट इवन ए फ्लैट टायर इन ए 5 मंथ, 30,000 किलोमीटर स्मूथ लाइक ए बटर। उसने मुझे एंड ऑफ द रोड पे वहाँ पे छोड़ा। Miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep.